गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में। आज मैं आप लोगों के साथ फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग करके दिखाने वाली हूं। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, ब्लाउज का मेन जो कपड़ा है उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो देखिए इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है। अब इस पे निशान लगाना है और डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया है। ये मैं 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो इसको मैंने ले लिया है, 12.5 इंच कपड़ा लिया है इसका, साइड में चेस्ट का साइड 12.5 इंच लिया है। ये 10 इंच पे फिटिंग लगेगा, 1 इंच चला जाएगा इसमें, डॉट में दब जाएगा तो 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। तो गले का निशान मैंने लगाया है 2.5 इंच पे, शोल्डर भी लगाया है मैंने 2.5 इंच पे। अब आर्म होल की गहराई मैंने 5.5 इंच लगाई है। और इसको इस तरह से बॉक्स शेप दे दिया है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि 1 इंच चला जाएगा मार्जिन में, मतलब डॉट में दब जाएगा, 1.5 इंच कपड़ा बचेगा। गले का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे, आगे और पीछे का गला सेम रहेगा तो मैं निशान लगा रही हूँ साथ में ही। जैसे निशान लगाया सेम ऐसे ही इसकी कटिंग भी कर लेनी है। उसके बाद आगे और पीछे का पल्ला अलग करूंगी और उसकी कटिंग करूंगी। तो मैंने गले को कट कर लिया है। अब आ गया मेरे पास, ये है मेन फैब्रिक है। तो देखिए ये आगे का पल्ला कट चुका है, ये पीछे का पल्ला कट चुका है और ये बाजू भी मैंने कट कर लिया है अस्तर पे। अब इसको मेन फैब्रिक पे कैसे रख के काटना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है, आपको इसको अच्छे से फैला लेना है। ये मैंने पीछे का पल्ला लिया है और उसके बंद साइड जो है गले की साइड मैंने बंद साइड रखी है। इस तरह से मैंने बंद साइड रखा है। नीचे मैंने 1.5 इंच कपड़ा मेन फैब्रिक जो है उसको एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि अस्तर में इतना ही कपड़ा था तो अलग से बेल्ट ना ज्वाइंट करना पड़े, इसलिए मैंने उसको फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और ये आगे का पल्ला भी इस तरह से सेट कर लिया है। इस पे आगे का जो पल्ला है उसका जो दोनों साइड इसमें ओपन ही रहेगा, मतलब बटन लगेगा और साइड में भी ओपन ही रहता है, तो इसका गला मैंने दूसरी साइड रखा है और उसके नीचे बेल्ट रख दिया। अब यहाँ पे बेल्ट के साइड भी मैंने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है ताकि मैं यहाँ पे भी फोल्ड करके सिल सकूँ। इसमें पट्टी ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं उसी को फोल्ड कर दूंगी। तो जैसे कपड़ा रखा हुआ है वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है पूरा। तो ये मैंने पीछे का पल्ला निकाल दिया है। अब देखिए ये जो आगे का पल्ला है यहाँ पे 1/2 इंच आर्म होल की साइड मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। कपड़ा अलग हो गया है। अब जो इतना कपड़ा बचा हुआ है इसमें से मुझे स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालना है। तो ये कपड़ा कम पड़ेगा, इसकी जो है पूरी लेंथ नहीं है, लंबाई है इसकी, चौड़ाई कम पड़ेगी तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा मैं ऐड कर लूँगी, फिर उसके बाद बाजू की कटिंग करूँगी। तो देखिए इस तरह से पहले मैंने नाप लिया है। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे इसमें छोटा पड़ रहा है कपड़ा, 2-2 इंच दोनों साइड से। तो पहले मैं इसके बराबर से जो इसकी चौड़ाई है वो ले लेती हूँ, फिर उसके बाद साइड में मैं कपड़ा ज्वाइंट करूँगी, फिर सिलाई लगाते टाइम इसको इसी तरह से अस्तर को रखूँगी और कट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये ब्लाउज जो जुड़ा हुआ होता है साड़ी में वहीं पे सिलाई लगा था तो इसको मैं खोल रही थी, वैसे खुला नहीं तो फिर मैंने इसको ऐसे ही काट लिया। जब कटने के बाद फिर मैं बाद में इसको खोल लूँगी। तो देखिए इसके बराबर से मैंने इतना ही कपड़ा कम हो रहा था तो मैंने इसमें ज्वाइंट कर लूँगी बाद में। तो ये पूरा कटिंग हो चुका है। अब ये रह गया है बटन की पट्टी, तो इस तरह से मैं कज और बटन की पट्टी भी कट कर लेती हूँ। ये हो गया बटन की पट्टी और ये दूसरी साइड की कज की पट्टी हो गई। इसमें बटन लगाना है, आई हुक नहीं लगाना है।
अब इतना कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से मैं पाइपिंग की पट्टी निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ब्लाउज फाइनल बनने के बाद इस तरह से इसका लुक आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को